जीके से जुड़े वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले ऐसे वीडियो की जानकारी आपको हर रोज मिलती रहेगी। साथियों आपको हर एक सवाल के बाद 5 सेकंड का समय भी दिया जाएगा जिसमें आप भी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन चाइना में यानी चीन में होता है। अगला सवाल है, भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कुशीनगर यूपी में स्थित है। अगला सवाल है, डूमच बीच कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, डूमच बीच कहाँ स्थित है, जो कि एक भूतिया बीच है। डूमच बीच कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा डूमच बीच गोवा में स्थित है। अगला सवाल है, जापान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा जापान का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? जी हाँ फ्रेंड्स, पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था, जिसका सही आंसर हो जाएगा पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हैमिल्टन में हुआ था। अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? जी हाँ फ्रेंड्स, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था, जिसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में हुआ था। अगला सवाल है, चांद पर पानी की खोज किस देश ने की थी? चांद पर पानी की खोज किस देश ने की थी, जिसका सही आंसर हो जाएगा चांद पर पानी की खोज भारत ने की थी। अगला सवाल है, माउंट आबू हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, माउंट आबू हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू हिल स्टेशन सिरोही राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, हड्डियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? हड्डियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा हड्डियों के बारे में अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो गया अयस्क, बी लिग्नाइट, सी पायराइट्स, डी आयरन पायराइट। साथियों आंसर पता तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो साथियों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे कनेक्टेड स्टे सेफ, थैंक यू।